अपी पी गए? कौन पी गया? अपी। अल्लाह का पानी अपी पी गया। ठीक है, अपने इसको मारेगा और क्या, गिरेगा। देखो वाली आ जा, गिरेगा। मैं नहीं देख। बचा। क्या क्या? अरे वो ये दो, ये दोनों भाई भी। हाँ भूत, ये नारुतो, ये सासुके। ये क्या करे, गिरी गिरीगी। इसका ऑरेंज है, इसका पर्पल है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए दिन के नए व्लॉग में। तो अभी अभी जस्ट उठा हुआ और फ्रेश होकर बाहर निकला हूँ, क्योंकि तो अभी मैं जा रहा हूँ क्रिकेट के लिए, तो वो हिसाब से जल्दी उठ गया, क्योंकि 5:30 बजे मुझे जाना है। तो अभी देख सकते हो कितने बजे, करीब 5:22 हो चुकी है और अब मैं निकलूंगा। और उसके साथ साथ मैंने देखो कल का व्लॉग भी बन चुका है, लेकिन अपलोड करने का बाकी है, तो वो हिसाब से मैं इसे रात को ही अपलोड करूंगा प्रीमियर में जो यूट्यूब पे। और बहुत टाइम से मैं रात देखा था कब ये दिन आया, क्योंकि हम लोग इन्जॉय करने जा रहे हैं एक तरीके से, टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। तो वो हिसाब से टूर्नामेंट का फॉर्मेट के मैं आपको वही भी आके बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी जाना होगा तैयार होकर, इसीलिए तो सीधा अभी निकल ही जाता हूँ। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, आज तो मजा आने वाली, क्योंकि आज मैं पहनने वाला अपनी फेवरेट एनवे वाली टी शर्ट, जो देख सकते हो गोको वाली, जो काफी मस्त लगती है मुझे, और आज ये पहनने वाला हूँ। तो वो हिसाब से आज इसे पहन के सीधा चला ही जाता हूँ, पहले नाश्ता कर लेता हूँ, फिर सीधा वहीं आके पहुँचता हूँ। अभी फिर लेट हो जाऊंगा तो फिर, क्योंकि 6 बजे हमारी फर्स्ट मैच शुरू होने वाली है, और सबसे पहले मैच हमारी है, मेरी हमारी टीम और जतिन सर क्रिकेट टीम है, टोटल 4 टीम है। तो 4 टीम में से अब पहली स्टार्टिंग हमारी है, तो जाते इंजॉय करते, ठीक है। तो गेट रेडी। तो हेलो गाइस, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और हमारा टाइम आ चुका है खेलने का, लेकिन प्लेयर कोई नहीं आया, उसकी वो बात अलग है, इसलिए भी थोड़ा वार्म अप कर लें। सर आ गए दोनों, लेकिन खाली कितने, 2-4 खाली, 4 प्लेयर और उसके साथ में सिर्फ 5 ही प्लेयर है, तो वो हिसाब से थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, अभी तक आए नहीं प्लेयर तो खेले। ये पूरा 12 बजे तक हमारा है, ये वेरी गुड। वार्म अप टाइम चालू है, तो आज हम टी शर्ट बदल लेते, टी शर्ट में से चेंज कर लेते। टीम अंकुर, तो ये टी शर्ट में से पहले अंकुर सर की, बाकी सब टीमों की टी शर्ट ले रहे हैं अभी, और ये वार्म अप चालू है जी कंटिन्यू, क्योंकि कब अभी ऑलरेडी 6:30 बज गए। ये बॉल आई, ये आई बॉल, ओ शॉट है। चालू चालू कर दे, चालू कर दे, चालू कर दे। सब आ चुके हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट प्लेयर, अब देखते हैं क्या डिस्कशन चल रहा है। छापा काटा बोलने क्या बोलने का है, क्या बोलने का, छापा का काटा, वो हेड होटल, हेड होटल, चलो छप्पा है, कौन जीता? <दा? laughs>
सुबह तुम्हारी बैटिंग सबसे पहले हमारी बैटिंग आई जटिन से पहले बॉलिंग पहली बॉल पे सिक्स मारा। ओ वाओ नाइस बॉल। बोले बोले ओ नहीं 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 सस्ते से अबे क्या क्या बोलते मारो सर आ भागता भी नहीं भाई। तो अभी दो ओवर ओपन की रन ऑलरेडी हो चुके और अब तीसरी ओवर चालू है वाइट। अच्छे रन से जीतना हमें अच्छे रन के लिए। कैच ओ कैच आउट जाओ बजाओ नो बोल दी वाओ ओ नो बोल दे दी अंकुर सर बच गए। हाँ ये बच गया बोल दिया वो जबरदस्त बच गए आउट ही थे। वेल प्लेड कितने रन हुए कितने रन हुए 78 to win सात ओवर हो चुके ऑलरेडी। अब फील्डिंग पहली मैच हम लोग जीत चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। मजा आ गया भाई कैच बॉल जोड़ा पकड़ा भाई ने सर क्या कहना चाहते हैं आपसे दिल्ली हार गई हार गए तो क्या तो अभी होने जा रही है तीन डाउट विशेष तीन सगीरा डाउट सर तो नहीं आ रहे लेकिन सगीरा आ रही तो वो भी टीम को हायर कर ले और कहते हैं कि टीम डाउट सर की सबसे टफ टीम है तो वो हिसाब से देखते इन लोगों को हमें हराना है देखते हरा पाते कि नहीं हरा पाते क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है ये भी क्रिकेट अच्छा खेलता है वो भाई भी अच्छे खेलते वो मैच भी देखा ना ये भाई भी अच्छे खेलते तो वो हिसाब से देखते क्या सीन रहता है। हमें जीतना तो है चैंपियन ट्रॉफी लेनी भाई फरहान क्या खेले ले नो बोलो मस्त खेल रहे कितने रन हुए फरहान कितने हुए नहीं खबर दो सिक्स दो चौके मार चुका है अभी खाली पांच बॉल हुए अभी पहली ओवर है ये पहली मैच ओ नाइस 50 रन पूरे वाह भाई वाह बहुत जबरदस्त खेला यार। सब घबराए हुए भाई के भी 50 होने वाले ओ भाई कोई बात नहीं होता है ये भाई के 50 होना है। ओ कैच ओ शिट कमेंट्री कौन करेगा आप कैथरीज बॉल सो काफी अच्छा रहा माल्य फर्नांडिस ने बच गया
तो अभी दूसरी मैच भी पत गए, जो टीम ग्रीन जीत चुकी है, काफी अच्छे रन से जीती है, क्योंकि 75+ रन से लोग जीत गए, तो बहुत अच्छे रन खेला उनकी। अब हमारी इसके बाद अभी भी तीसरी मैच शुरू रहेगी, लेकिन हमारी लिए वही है रेड और ग्रीन की, फिर से अभी हमारी इसके बाद है, तो देखते हैं खिला रहा है। तीसरी गेम में पच चुकी है, जो रेड वाली टीम जीत चुकी है। अब हम लोग की टीम की बैटिंग और वो फील्डिंग करेगा, वो टॉस जीत गए तो उन्होंने बैटिंग बॉलिंग चुनी, तो हम बैटिंग कर ले, तो वही एज यूजुअल पहले अंकुर सर और भाई खेलेंगे। पहली बॉल थी, नो 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 नो, गेंद नहीं, गेंद थी, वो बच गए। तो अभी तीनों तीन मैच, मतलब हर एक टीम एक एक मैच विन हो चुकी है, हम भी जीत चुके। दाव सर की नहीं जीती ना, हाँ दाव सर की नहीं जीती अभी, हाँ कौन सी सकी क्या ना, ये टीम कौन सी, ये दाव जतिन सर, जतिन सर की भी जीत चुकी है। अब अच्छे से रन रेट जमा करना है, दिन बाकी। ओ ना, नहीं नहीं नहीं, बच गया बस, ओके ओके, एक ओवर में 10 रन, एक ओवर में 10 रन की भी रन रेट तो अच्छी रहेगा। अभी हमारी दूसरी मैच थी और इसमें हम हार चुके हैं बुरी तरीके से, लेकिन क्या कर सकते, तो ध्यान रन आउट होगा, तो हमारे दो प्लेयर भी थे उसके साथ, तो वो हिसाब से नहीं हो पाया। कोई नहीं है, बात बात सही है, लास्ट ओवर, ओ सिक्स नाइस नाइस, जबरदस्त, तीन में तीन और आने चाहिए। आजू आजू भाई, करना करना कर, मंडी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ना ना ना, अरे अरे दोनों मारने वाले, कोई बंदा नहीं मारते उसको, उसके ज्यादा जोर मत लगा, बॉल पे देख के मार, हाथ और नहीं, उसने उसका काम बता दिया, ओए बॉल पे देख के मार, तो पहले हम लोग की बॉलिंग है, क्योंकि अभी टॉस करा, और अभी चौथी मैच में दाऊद सर की टीम जीत चुकी है, तो हमें एक जीतना पड़ेगा कंपलसरी, तो हम पहले नंबर पा पाएंगे, वरना तो फिर लग जाएगा है ना, हम बॉलिंग पे हम। और यहाँ पे टीम शकीरा वर्सेस टीम अंकुर चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हुसैन फील्डिंग कर रहे हैं, अभी गेंदबाजी खिलाएंगे, और आखिरी ओवर डालना है हुसैन, पहला बॉल, और जुनेद ने उठाया है डॉट बॉल, बढ़िया डाल रहे हुसैन हमारे, और देखते दूसरा बॉल डाला है, और 6 रन, थोड़ा सा शॉट गिरा था, ट्राई अच्छा कर रहे हैं हुसैन भाई हमारे, लेकिन और कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन कैच ड्रॉप बहुत गंदा वाला हुआ है हुसैन, अभी तीसरी गेंद डालेंगे, आखिरी ओवर है, प्रेशर बहुत होता है, ये तो मानते हैं हम, और क्लास शॉट है, लेकिन कैच इतना ही बढ़िया कैच, चुन्नू बहुत अच्छी बैटिंग करके आते हुए, जुनेद मंसूरी बहुत अच्छी बैटिंग की है, कैसा लग रहा है जुन्नू, बहुत खराब, अरे रे रे रे। नवाब और कैच पकड़ने लगता है, बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पे हुसैन का, कैटरिक पे हुसैन, और हैट्रिक रह जाएगी लगता है नेक्स्ट मैच की, नेक्स्ट मैच की पहली बॉल बची, एक गोल बची है, ओ
ओ बचा। हाँ तो बोलने बराबर है तेरे को, हमारी टीम को फायदा हो रहा है। कितने बाकी है? 10 बॉल 32। नौ बॉल 10 बॉल एक भाई, 9 बॉल है, फ्री है, फ्री। अमित भाई पहले, पहली बात आपको जब हम लोगों ने बोलना चाहा कि भाई ऐसा करना है, पर आपने क्यों ऐसा किया? लाइक पहली बॉल तो आउट हो गई। ये देखिए आपकी वजह से अभी अमित लाकड़ा मैच के मुजरिम, क्या कहना है अमित लाकड़ा? क्या मुजरिम नहीं है? अरे ये आप जीती हुई मैच हरा के आ रहे हो? हमने जिनको हमारा काम कर दिया। क्या लगता है अमित लाकड़ा मैच का क्या हाल होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं बोलिए ना, अभी 2-2 ओवर वाला बाकी, अभी गेम उसमें हम गेम पलट दी। तो आपको क्या लगता है जतिन भाई को हरा सकते हो? यस यस। अभी जिस हिसाब से टीम खेल रही है क्या लगता है आपने? अभी आपका एक अच्छा प्लेयर आया है मोहम्मद मंसूर, एक तुम्हारा गेम चेंज कर देंगे, गेम बनाएगा नेम, गेम बना देंगे। चलिए 2-2 और अल्लाह हाफिज़ बोल दीजिए ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़। जीत चुका हम पावर प्ले में, 2-2 ओवर की थी तो हम लोग जीत चुके अगेंस्ट किसके? लाल के। अभी दूसरी क्वालिफिकेशन राउंड चालू है 2 ओवर की, जो हमारी टीम और दाऊद सर की है और जतिन सर की टीम निकल चुकी है। क्या कहना चाहते हो जी? मुझसे बोलो क्या कहना चाहते हो? लग नेक्स्ट टाइम छोटे सीजन में आएंगे। अभी ये सेमीफाइनल की मैच चालू, अगर हम लोग जीत गए तो हम फाइनल में आएंगे। नहीं सकते हम 2-2 नाइस 2-2 क्योंकि 2 टीम ऑलरेडी क्वालिफाई हो गई है, दाऊद सर की एंड वो ग्रीन वाली। खाली बस ये जीत गया तो हो जाएगा हमारा काम, फाइनल में चले जाएंगे। तो टीम का कोई ये नहीं होता, पूरा दिन ना गेम के अंदर ही रहते हैं। हमें लास्ट बॉल है, एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है। नहीं पहले खाली ना, ए रोडियो सानू जोड़ियो बस। तो हम लोग सेमीफाइनल वाला भी गेम जीत चुके हैं और हमारी टीम और सफीर अमला के और वो ग्रीन वाली टीम, हम दोनों फाइनल में है तो वो हिसाब से फाइनल खेलेंगे। बस एक मैच दूर, अगर जीत गए तो विनर चिकन डिनर चालू। और हमारी फील्डिंग है, पहले हम जीते तो टॉस जीत गए तो हमने पहले फील्डिंग चली, तो देखते सिर्फ 5 रन के लिए हम फाइनल हार चुके और ये ग्रीन टीम जीत चुकी है। सो इन्हें ट्रॉफी दिया रही है और हम रनर अप रहे हैं। यहाँ से 500 इंडियन की बाजी, यहाँ से चाइनीज। ये छोड़ के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अमित मंसूर। ये अभी बाकी रील बनेगी नहीं, रील बनेगी नहीं, डालेंगे ना। तो
तेरा टीम वाला आ जाओ चलो चलो तू भी आ जा तू भी आ जा जा एक रुक गया रुक गया रुक गया अरे पहले अरे वो वीडियो बना अरे भगाने अरे यार वो चेक लेके आते वो चेक ले भाई यार अरे वो सुन ले ले राजी नहीं है चलो मार टेबल ही हंसो सही चेक लो चेक लो भाई वो मेरा नंबर बात कर रहा है हो चुके फाइनल क्या फोटो ले फोटो बाय जाओ आइयो मिलते बाद में हेलो सर चलो बस पहले के टीशर्ट उतार ले दे दे जावे मस्त आता है ना अच्छा ये भाई मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है हमारे सीजन के हमारी टीम के भी चलो जाए बस पढ़िए जरा हमको सर बाय 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 से बिल भाई बाय बाय मिलते कल चलो सर मिलते बेटा बोलू क्या कहता बोलू क्या नाम है तेरा बता क्या नाम है बोल दे हफीज तो क्या करेगा बड़ा हो गया आइडिया बनेगा वैसे भी क्रिकेटर बनना है तो अभी किसको फॉलो करता है विराट कोहली को छोड़ के विराट कोहली को छोड़ के नाम भेज दू विराट कोहली के प्लेन बच्ची जाते भाई बड़े लोग जाते कल मिलते बड़े क्रिकेटर चलो हम लोग जाते घर अब खाते भूख लगे हेलो गाइस अभी जस्ट घर आया हूँ और अब खाने बैठ गया हूँ क्योंकि बहुत लगी थी थकन जो लगी है जबरदस्त थकन लगी है और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है टफ में क्रिकेट खेलने क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट खेलता भी नहीं ना रेगुलर बाहर खेला ना कई जगह कई फार्म हाउस में जाओ तो खेलूँ आज तक तो नहीं इतना टाइम है नहीं मेरे पास तो मज़ा तो बहुत आया टूर्नामेंट में गया तो बहुत अच्छा लगा सर एक तरीके से मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उधर सच कहो तो पर सबसे पहले मुझे पूछा था अतीक ने कि टूर्नामेंट खेलने आएगा मैंने ना बोला उसे तुरंत क्योंकि संडे था तो वो हिसाब से मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ तो मैंने ना ही बोला पहली बार फर्स्ट टाइम तो लेकिन सेकंड टाइम मैंने उसे हाँ बोला हाँ ठीक है मैं आऊँगा एडजस्ट करके तो मैंने पूरा टाइम निकाला और टूर्नामेंट में गया जो काफ़ी सही साबित हुआ मेरे लिए अच्छा लगा मुझे जाके और ब्लॉग भी मस्त बना होगा आई होप तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करें क्योंकि बैटरी पूरी डाउन हो चुकी है मेरी क्योंकि अब मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा तो अभी ऑलरेडी 12:30 के आसपास हो चुके तो खा के सीधा सो ही जाऊंगा तो आज का ब्लॉग यहीं पे हम एंड कर देते हो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते कल नए दिन के नए ब्लॉग में बाय बाय सी यू सून।